पचन संस्था के बारे में मैंने पहले वीडियो मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। पचन संस्था के बारे में कुछ और जो लक्षण है उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन विज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको पचन संस्था का विकार है और लक्षण ऐसे हैं कि देखो, उनको बीच बीच में ऐसे एपिसोडिक अटैक आते रहते हैं। कुछ दिमाग में टेंशन आ गया, कुछ अनबन हो गई, पति पत्नी की अनबन हो गई, व्यवसाय में काम के ऊपर कुछ लोड आ गया, कोई किसके साथ में कोई मतलब बिगड़ गया, झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, गुस्सा आ गया, ऐसा कुछ हो गया, वो दिमाग में रखते हैं और बाद में वो व्यक्ति को फटाफट फटाफट उल्टियाँ शुरू हो जाती है। इतनी उल्टियाँ, मतलब पहले जैसा जी मचलाना, उनको ऐसा लगता खाना नहीं खाना, पेट फूल जाना, और फिर उनको इतना जी मचलाता है कि फिर वो उंगलियाँ डाल डाल के वॉमिट कर डालते, उल्टी कर डालते, और उल्टी करने के बाद उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि उनको कि भाई अपना एसिड निकल गया या जो जलन थी वो कम हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद में फिर जी मचलाना, फिर उंगलियाँ डालना, फिर उल्टी कर देना, ऐसा दिन भर चलते रहता है। दो तीन दिन तक ऐसा अटैक आता है, उसमें पेट दर्द भी होता है, लैट्रिन भी कभी साफ़ होती है, ज़्यादा लैट्रिन लग जाती है, और फिर दो तीन दिन के बाद में फिर धीरे 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 वो ठीक हो जाता है। फिर महीना दो महीने अच्छा रहेगा और फिर बाद में फिर से एक आधा अटैक आ जाएगा। तो ये लोगों को जब मेरे पास में आते, मैं पूछता हूँ कि भाई आप ये देखो कि ऐसा अटैक आने के पहले भी कितने साल से हो रहा है, तो लोग बोलते हैं हमको साल भर से है, दो साल से है, तीन साल से है। मैं बोलता हूँ साल भर में कितने बार होता है, बोले हर दो महीने में, तीन महीने में एक बार हो जाता है। अच्छा ठीक है, फिर दो तीन महीने में हो जाता है, आपने सब टेस्ट किया तो पूरी फाइल बताते हैं कि भाई हम पचन संस्था के डॉक्टर जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनकी तरफ गए, सब पूरी जांच करवा लिया, पूरी गैस्ट्रोस्कोपी एंडोस्कोपी सब तरह से पूरी जांच करवा के फोटो बिटो एक्सरे स्कैन सब निकाल लिया और उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ बताते कि अंदर सूजन है और दवाई लेने से भी फायदा होता नहीं, आप ही अब ठीक हो जाते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ कि भाई आपको बीमारी जो हो रही है उसका देखो सोर्स क्या है, सोर्स दिमाग में है कहीं तो भी, क्योंकि इतने सब टेस्ट करने के बाद में कुछ निकल नहीं रहा है तो सोर्स क्या है। तो सोर्स जब ढूंढते रहते हैं तो तीन चार चीज़ों में से कुछ ना कुछ चीज़ निकल जाती है। एक तो वो व्यक्ति को अपने आप को पनिशमेंट करने की इच्छा रहती है। अच्छा, अपने आप को पनिशमेंट क्यों करेगा पता नहीं, कुछ लोग मैजोचिस्ट होते हैं, मतलब अपने आप को तकलीफ देने में उनको मज़ा आता है, तो उनके दिमाग के ऊपर कुछ लोड आता है, कुछ टेंशन आता है, कुछ स्ट्रेस आता है और वो स्ट्रेस बाहर बोलेंगे नहीं, अपने आप को तकलीफ देंगे और वो तकलीफ उनको ये उल्टियाँ सुलटियाँ के बारे में मतलब आती है ना, वो उनको तकलीफ हो जाती है। एक वो होता है, ये लोग अपने आप के ऊपर प्यार नहीं करते, अपने आप को हेट करते हैं, अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, तो ये हो सकता है, फिर खुद को तकलीफ देते हैं। तीसरा है कि ये तकलीफ हो गई, दो तीन दिन बीमार है तो घर के सब लोग परेशान हैं, फिर सिंपति मिलती है, लोग अपने तरफ देखते हैं तो सिंपति भी मिलती है, फिर डॉक्टर की तरफ ले जाओ, सलाइन लगाओ, ऐसा करो, कभी हॉस्पिटल में भर्ती करो, कभी डॉक्टर को घर पे बुलाओ, दो तीन दिन आराम भी हो जाता है और उसमें सिंपति काफ़ी लोगों को मिलती है। कुछ अनबन हो गई, फटाक से उल्टियाँ शुरू हो गई, सिंपति मिलती है और आराम करने मिलता है, तो एक हो सकता है। जैसा कोई जीलसी है, जीलसी मतलब ऐसा किसके बारे में, द्वेष मन में है ना, ऐसा गुस्सा है, द्वेष है, तो गुस्सा अपने आप के ऊपर है, लोगों के ऊपर गुस्सा है, वो बाहर एक्सप्रेस नहीं किया, या जीलसी है मतलब द्वेष है, मत्सर है, क्योंकि वो कंपैरिजन करते उनको लगता है कि नहीं इनके पास में ज़्यादा है तो उनके पास में नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास में नहीं है उसका दुख है और उनके पास में नहीं होना चाहिए, उनके पास में जो है उसके बारे में तकलीफ है, मतलब उसके पास में नहीं रहेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, भले मेरे पास में नहीं है मगर वो उसके पास में नहीं होना चाहिए और वो सामने वाले के पास में है तो उनको जीलसी होती है, तो एक कारण हो सकता है। या कुछ लोग अपने एक्सप्रेस्ड इमोशंस नहीं करते, मतलब अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते, दबा दबा के रखते हैं, फिर कुछ तो भी हो जाता है, फिर फटाक से बाहर आ जाता है वो और फिर उल्टियाँ शुरू हो जाती है। तो हम उल्टियाँ में उसको साइकोडायनेमिकली हम ऐसा बोलते हैं कि ये लोगों को एक्सप्रेस करने में असफलता होती है, उनको जो बोलना है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पेट में जो है वो रखते नहीं कोई चीज़, मतलब रख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, मतलब एक्चुअली विचार डाइजेस्ट नहीं करते, तो उल्टियाँ के मतलब वो तरीके से वो बाहर आ जाता है और वो उल्टियाँ के रूप से मतलब जो बोल नहीं सकते वो उल्टियाँ में बाहर डालते हैं बोल के, तो इस तरह का ये साइकोडायनेमिक्स उसका है। ये लोग हैं उनको मैं हरदम बोलता हूँ कि भाई आप ये देखो कि अपने आप को आप पनिशमेंट क्यों कर रहे हैं, नंबर एक, अपने आप के ऊपर आप प्यार करते नहीं हो, नंबर दो, नंबर तीन, आप गुस्सा करते हो लोगों के ऊपर, खुद के ऊपर गुस्सा करते हैं, नंबर चार, क्या तनाव है, क्या अपने मन जैसा नहीं हो रहा है, कहाँ आप अपसेट है, कौन सा अपसेट लेके आप बैठे हुए हो,
और जिसकी वजह से ऐसी तकलीफ आपको हो रही है, जो भी हो रहा है वो लोगों को बताओ, एक्सप्रेस करो, जिसके साथ में, तो वो कम्युनिकेशन जो है संवाद वो डिलीवर करो सामने वाले को। नेक्स्ट, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती है और लोग अपेक्षा पूरी करते नहीं हैं, और उस समय फिर गुस्सा आता है, हम बोलते भी नहीं कि तुमने अपेक्षा पूरी नहीं किया, और फिर वो गुस्सा इस तरह से बाहर निकलता है। जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, वो हम डील करते हैं, लोगों को फिर अच्छा महसूस होता है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ आने लगी तो फिर IV फ्लूइड्स लगाओ, मतलब सलाइन लगाओ, कोई इंजेक्शन दो, ऐसा टेम्पररी वो इलाज भी करना पड़ता है, मगर बेसिकली उसका इलाज है साइकोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जिनको ऐसे पाचन संस्था के विकार है, और पाचन संस्था के विकारों में उल्टियाँ होना, एसिडिटी होना, बहुत जलन, छाती में जलन, वो सब ऐसा पूरा ऐसे ऊपर ऊपर आता है, फिर ढकार आती है, हिचकियाँ लगती है, फिर ये लोगों में बहुत पेट फूल जाता है, और इतना अनइजीनेस लगता है फिर उनको, इतना अनइजीनेस, पेट फूलने के बाद में कुछ सूझता नहीं है, फिर गैसेस छूटते हैं, लेटरिन साफ नहीं होती, या कभी ज़्यादा लेटरिन आ जाती है, पेट दर्द करता है, खाने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, जैसा लॉस ऑफ एडेड हो जाती पूरी, और फिर लोग खाते भी नहीं है, ज़बरदस्ती फिर खाना खिलाना पड़ता है, उल्टियाँ होती तो फिर बिल्कुल ही खाने की इच्छा नहीं होती है, फिर सलाइन लगा और कुछ तो भी खाना, तो मतलब इस तरह के काफ़ी सारे पेट के प्रॉब्लम है। 10% लोगों को पेट के प्रॉब्लम है, 10% लोग, तो आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग होंगे, उनको ऐसे प्रॉब्लम होंगे, तो आप जरूर वीडियो लोगों को शेयर करो, ताकि लोग अपना अपना इलाज कर सकेंगे और अपना जीवन शांति से, आनंद से, फिट रह के, तंदुरुस्त रह के जी सकेंगे। लोग हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, सलाह लेते हैं, और उनका प्रॉब्लम जो है उसके लिए काउंसलिंग लेते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में लोग पेशेंट को लेके आते हैं, हम रिश्तेदारों के साथ में या रिश्तेदारों के अलावा ऐसे दोनों भी लोगों को भर्ती करते हैं। हमारे 2 हॉस्पिटल यहाँ हैं। हर एक के लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है, इसके लिए हम काम करते हैं। तो जो आप ये वीडियो जरूर शेयर करो, ताकि आपका भी हाथ हमारे मिशन में लग जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।